चिराग पासवान ही लीडर है। अगर मेरे अभिभावक अगर मुझे नेता मानते हैं तो मेरे लिए इससे बड़े गर्व की और क्या बात हो सकती है। लालू जी ने, मेरे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने, दोनों ने साथ मिलकर काम किया है और अगर उनकी तरफ से अगर मुझे ऐसा प्रोत्साहित करने वाला अगर बयान आता है जिसमें वो मुझे नेता कहते हैं तो उसके लिए मैं उनका दिल से, हृदय से मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। देखिए आज लोक जनशक्ति पार्टी का एक प्रतिनिधि मंडल जिसमें मैं, मेरे साथ हमारे प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी जी, हमारे संसदीय बोर्ड के बिहार प्रदेश अध्यक्ष उल्लास पांडे जी, हमारे बिहार के प्रधान महासचिव संजय पासवान जी, हमारे संगठन के महामंत्री संजय सिंह जी, हमारी लोक जनशक्ति पार्टी की वरिष्ठ नेत्री और जहानाबाद से पूर्व प्रत्याशी हमारी इंदु कश्यप जी, हम इस प्रतिनिधि मंडल ने महामहिम जी से मुलाकात की और साथ में हमारे तमाम और वरिष्ठ साथी और पदाधिकारी साथी साथ में हैं। इस प्रतिनिधि मंडल ने महामहिम जी से मुलाकात की और मुलाकात का मुख्य उद्देश्य बिहार में जिस तरीके से अपराध चरम सीमा पर आ गया है और कानून व्यवस्था पूरी तरीके से धराशायी हो गई है, और ये इन भारी शब्दों का प्रयोग मैं से बोलने के लिए नहीं कर रहा हूँ, आप सबके कैमरे साक्षी हैं इस बात के, आप ही वो हैं लोकतंत्र का भैया, आप लोग चौथा स्तंभ हैं और आप ही लोग हैं जिन्होंने निरंतरता में बिहार में बढ़ते हुए अपराध को लेकर अपनी खबरों को बेबाकी से मजबूती से रखा है। आए दिन जो हत्याएं हो रही हैं, रंगदारी हो रही है, लूटमार हो रहा है, अपहरण हो रहा है, डकैती हो रही है, उसके बारे में आप सब ने रिपोर्टिंग की और अधिकांश जगहों पर मैं खुद गया हूँ। हमारे पूर्व प्रत्याशी मनिहारी के अनिल उमराव जी, जो कि अनुसूचित जनजाति से आते थे, उनकी जिस तरीके से अपहरण कर दो दिन तक मैं एसपी साहब के संपर्क में रहा, निरंतर उनसे बात होती रही, पर उसके बाद भी जिस तरीके से उनकी निर्मम हत्या कर दी गई, उसके बाद कल मैं मेयर साहब के यहाँ गया, कटिहार के जो मेयर साहब हैं शिवराज पासवान जी, उनकी जिस तरीके से हत्या कर दी गई, उनको बाहर बुलाकर सीने में 3 गोलियां सामने से लाकर दाग दी गई, चश्मदीद होने के बावजूद, आई विटनेसेस होने के बावजूद, जिस तरीके से शासन प्रशासन तंत्र पूरी तरीके से उदासीन रवैया इन विषयों पर दिखाता है, उसी उससे पहले ठीक वहीं पर कटिहार के जो पिछले भी मेयर थे वो भी अनुसूचित जाति से आते थे, उनकी भी ऐसी हत्या कर दी गई, आज वो अपराधी पिछले 1-1.5 साल से खुलेआम घूम रहे हैं। यह अपराध पर नियंत्रण बिहार सरकार पूरी तरीके से खो चुकी है और इसीलिए हम लोगों ने, बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं वो हमारे प्रदेश के गृह मंत्री भी हैं, गृह विभाग की जिम्मेदारी उन्हीं की है, बिहार में लॉ एंड ऑर्डर सुचारू रूप से चली, ये जिम्मेदारी हमारे मुख्यमंत्री